हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो कई दिन से अपने इस रूम में थोड़ा सा दूरी बना के रखा था, एक तरह से आइसोलेट या क्वारंटीन कह सकते हैं, अपने ही घर में था। लेकिन उधर आरोसी को फीवर आ गया, जुकाम हो गया, और माता जी को भी बुखार हो गया। तो मैंने सोचा है कि अब जाँच करा लेना उचित रहेगा, तो आज जाऊँगा अपना कोविड टेस्ट कराने। कई दिन हो गए बच्चों से अलग रहते हुए, जांच हो जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा कम से कम कि बच्चों से दूर ही रहना है या बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि जांच कराने जाऊंगा। कई दिन से सोच रहा था जाने के लिए, लेकिन हुआ ये कि 18 तारीख को संडे था, उस दिन नहीं हो पाई है। और 19 तारीख को फिर इलेक्शन था यहाँ पे। 20 तारीख को मैं पहुँचा तो लेट हो गया था, वहाँ काउंटर बंद हो चुके थे। और 21 तारीख को फिर रामनवमी का अवकाश था, और आज 22 तारीख को जाऊंगा जांच कराने। आज मैं समय से जाऊंगा, 10 बजते ही समय से अपना टोकन कटा सकूं और मेरा भी नंबर आ जाए जल्दी ही। ए, जुकाम ठीक हो गया? अभी होया नहीं? अच्छा भाई। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर मैंने सबसे पहले टोकन यानी ये जो 1 रुपये वाली पर्ची है ये कटवाई थी। उसके बाद कोविड जांच कराने वाले लोगों की जहां लाइन लगी थी उधर लाइन में मैं गया। लाइन में जाके देखा तो लोगों में जागरूकता की थोड़ा कमी थी, नज़दीक नज़दीक खड़े थे। लेकिन मैंने थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के थोड़ा अलग ही लोगों से खड़ा हो गया था और अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा था। पहले काउंटर पे अपनी पर्ची दिखाकर नाम और फ़ोन नंबर सहित अपना एड्रेस दर्ज करा के वहाँ से कुछ सामान मिला था, जिसमें एक तो ये रैपिड टेस्ट वाली किट थी जिस पे COVID-19 AG CT लिखा है, 72 मेरा क्रमांक था। इस किट में जब सैंपल लिया जाता है, अगर एक पीली लाइन आती है तो टेस्ट नेगेटिव होता है, और अगर 2 पीली लाइन्स इसमें आती हैं तो टेस्ट पॉजिटिव होता है। और साथ में एक ये कीप दी गई थी, इसमें भी सैंपल लिया जाएगा। ये RT-PCR कहा जाता है और इसकी रिपोर्ट 48 घंटे बाद ऑनलाइन आती है। ऑनलाइन रिपोर्ट हम इस लैब रिपोर्ट upcovid19track.in पर चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आता है। एंटीजन टेस्ट है वो नेगेटिव लिखा आया है मेरे वाली स्लिप पे, यानी कि रैपिड टेस्ट मेरा नेगेटिव आया है। और RT-PCR रिपोर्ट आएगी 48 घंटे बाद, उसको नेट पे चेक करूंगा तब बताऊंगा कि उसमें सैंपल क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मैं पैथोलॉजी गया था, क्योंकि मुझे बार बार फीवर भी आता है। दवाइयाँ खाता हूँ, फीवर ठीक हो जाता है, लेकिन फिर से दोबारा फिर फीवर हो जाता है। तो फीवर का पता लगाने के लिए कि कौन सा फीवर है, वायरल फीवर है, मलेरिया है या फिर टाइफाइड है, उसका पता लगाने के लिए मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था पैथोलॉजी जाकर। ब्लड का सैंपल देने के बाद पैथोलॉजी से 1 घंटा बाद रिपोर्ट मिल जाती है। पैथोलॉजी पर इंतज़ार करने के बजाय मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करा देता हूं। तो मैं प्रीमियम जमा कराने के लिए पोस्ट ऑफिस चला गया था, तब तक 1 घंटा भी बीत गया। उसके बाद मैं अपनी पैथोलॉजी रिपोर्ट लेकर अपने घर चला आया। रिपोर्ट कर दो। कोरोना भी कराया, रैपिड एंटीजन नेगेटिव आई, और दूसरी जो RT-PCR है तो 48 घंटे में होगी, ऑनलाइन चेक करी जाएगी। अच्छा। मोबाइल नंबर दर्ज करा, उस पर OTP आएगा, जो हम साइट पर जाओ उसमें चेक कर सकेंगे। वैसे जो तुरंत वाली हो है वो नेगेटिव आई। चलो अच्छी बात है। और दूसरी फीवर भी करवाई, ब्लड टेस्ट कराया, उसमें टाइफाइड आया और थोड़ा सा इन्फेक्शन है ब्लड में,
उसकी दवाई चलेगी बुखार की। टेस्ट की कौन सी? ब्लड वाली, ब्लड की भी आ गई। हाँ, एक घंटे में दे दी पैथोलॉजी ने, और तो उसमें लाइन लंबी थी, टाइम लगा नहीं। रैपिड वाली तो 15 मिनट में बता दी मुझे। अच्छा, एक किट थी रैपिड वाली, उसमें जो पॉजिटिव हो तो 2 लाइन आ जाए, तो नेगेटिव हो तो 1 लाइन आ जाए। रैपिड एंटीजन का उसमें 1 लाइन आई थी। हम टाइफाइड की दवाई चलेगी, 5 दिन की दवाई बताई डॉक्टर को, रिपोर्ट दिखा रहा है टाइफाइड बता, तो कहा कि 5 दिन दवाई खानी पड़ेगी, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया थोड़ा सा। इतने लंबे बुखार के बाद तो अपने आप ही कुछ ना कुछ दिक्कत बन जाए। अभी कपड़े भी भारी उतार दूँ? हाँ जी, मास्क बैग में दवाइयाँ हैं, भैंस की भी है, मेरी भी है, और कुछ फल है, धूप में रख दो, ये भी धूप में रख दो, सैनिटाइज हो जाएगा। कपड़े अपने भारी उतार दूँ? हाँ जी। नहाऊं भी? नहीं, जैसा कि मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घूम कर आया, कभी वहाँ कोई संक्रमित आदमी हो, गर्म पानी लगा दूंगी, नहा लियो, हाथ तो धो लिए, चलो एक बार और धो लो, सामान निकाल के धूप में रख दूँ बस। हाँ जी, बच्चों पीछे रहो, पीछे रहो, इनसे सैनिटाइज करेंगे, इसमें फल है, सैनिटाइज करेंगे तब खाइयो। और ये है मेरी जांच रिपोर्ट, और इसमें है MCH 26.7 है, जबकि नॉर्मल होना चाहिए 27 से 32 के बीच। और ये है ESR 23 जो कि होता है 0 से 20 के बीच, यानी कि ब्लड में थोड़ा सा इन्फेक्शन बताया और टाइफाइड बुखार है, 5 दिन दवाई खानी पड़ेगी, 11 दिन जाएगा। ये तो है मेरी ब्लड की जांच, उसमें देखिए हीमोग्लोबिन 14.9 है, जबकि 12 और 16 के बीच होता है, यानी नॉर्मल है। और टोटल RBC यानी ब्लड जो है वो 4.89 है, और ये भी 4 और 6 के बिटवीन होता है, ये भी ठीक है। बाकी जो मेन चीज़ें होती हैं इसमें और क्या है, प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स 1.90 लैक्स हैं, जबकि ये 1.50 से 4.50 लाख के बीच होती है, 1.5 से 4.5 लाख के बीच होती है, और 1,90,000 प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हैं। MCH एक आया है यहाँ 26.7, जो कि 27 और 32 के बिटवीन होता है, एक तो ये थोड़ा सा कमी है, और दूसरा ESR 23 है जो कि 0 से 20 के बीच होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। और बाकी क्या चीज़ें हैं, रिज़ल्ट जो है वाइडल टेस्ट इज़ पॉजिटिव, ये टाइफाइड है, टाइफाइड थोड़ा पॉजिटिव आया है। और वाइडल टेस्ट के जो 4 पैरामीटर्स होते हैं, ये एस टाइफी ओ, एस टाइफी एच, एस पैराटाइफी ए एच, एस पैराटाइफी बी एच, तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 पैरामीटर इसके ये ओके पॉजिटिव हैं, ये वाला नेगेटिव है। और एच टाइप, एस टाइफी एच के भी 4 सैंपल पॉजिटिव हैं, और 5वां ये नेगेटिव है। और सभी का नेगेटिव होना ज़रूरी है, जो भी पॉजिटिव होता है वो थोड़ा सा नुकसान का होता है। और ये जो बाद के दो हैं, एस पैराटाइफी ए एच और एस पैराटाइफ बी एच, ये सभी नेगेटिव हैं, ये अच्छी बात है कि ये सब नेगेटिव हैं। अगर ये वाले पॉजिटिव होते तो समझिए कि पेट में थोड़ा इन्फेक्शन है, थोड़ा क्या, जितना भी ये पॉजिटिव होता उतना ही ज़्यादा पेट में इन्फेक्शन होता, जो कि लीवर से भी संबंधित है। और ये अगर पॉजिटिव होते तो पेट में इन्फेक्शन माना जाता, जिस स्थिति में टाइफाइड कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खुशी की बात और नॉर्मल बात यही है कि ये सब नेगेटिव हैं, पेट संबंधी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और मैं महसूस भी करता हूँ कि मुझे भूख लगती है ठीक से, खाना भी पच जाता है, वरना अगर ये वाले पॉजिटिव होते तो न मैं कुछ खाने की स्थिति में होता, न भूख लगती, न कुछ पचता, और पेट में दर्द ऊपर से रहता। तो देखिए इनमें 4 पैरामीटर्स में ये वाले 2 ही पॉजिटिव हैं, इनकी भी लास्ट वाली जो पैरामीटर है वो नेगेटिव है, और ये दोनों नेगेटिव है, ये अच्छी बात है। टाइफाइड हालांकि है, जिसकी दवाइयाँ चल रही हैं। और ये है मेरी जांच रिपोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कोविड की, इसमें एंटीजन टेस्ट जो है रैपिड एंटीजन वो नेगेटिव आया है, और जो दूसरी RT-PCR रिपोर्ट होती है 48 घंटे बाद ऑनलाइन आएगी, उसको जांच करेंगे बाद में ऑनलाइन, फिलहाल ये वाली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये डिटॉल है, नहाने के पानी में डाल लिया करो, बच्चों को नहला दिया करो डिटॉल के पानी से, और ये फिनाइल लाया हूँ पोछा लगाने के लिए। नांदू।
नू बेटा क्या देवे पापा को अंगूर लो लो ला बकारी पापा को अंगूर खाओगे लो मित्राना देख के बाबा जय कर दिया नंदी जय श्री राम जय तो आवे इस पकड़नी जय जय राम जय जय राम कल पिताजी को सिगरी अच्छा लो सवेरे उठते में करी जय हो ए बाबा ए बाबा ए बाबा ए बाबा पिताजी को क्या कराया ए बाबा ए बाबा आज तक सब तो पिता करेगी देख क्या अब मम्मी का क्या करेगी मम्मी सबसे बाद में सीखेगी अरे वारी अरे वारी।